खाने से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। खरगोन जिले का पहला पावर हब सेल्दा पावर प्लांट NTPC का उपक्रम है, जो कि पूरे तरीके से बिजली बनाने के लिए तैयार हो चुका है। इसी पावर प्लांट में कोयला लाने के लिए ब्रांड गेज रेलवे ट्रैक खंडवा के मैथेला से निमाड़खेड़ी होकर सेल्दा तक लगभग 80 किलोमीटर का ट्रैक बनाना था। रेलवे ने मैथेला से निमाड़खेड़ी तक का ट्रैक को ब्रांड गेज में बदल दिया। निमाड़खेड़ी से सेल्दा तक का ट्रैक NTPC ने 500 करोड़ रुपया खर्च कर बनाया। ट्रैक बनाने वाली कंपनी राइट्स ने अपने अधीनस्थ ISC कंपनी नागपुर और टावर इन ट्रैक कंपनी हैदराबाद के सहयोग से 2 साल में 37 किलोमीटर का ब्रॉड गेज ट्रैक तैयार कर दिया। सेल्दा पावर प्लांट पर पहली बार रेलवे ट्रैक पर दौड़ता हुआ रेल का इंजन पहुंचा। रेल के इंजन पर सवार थे NTPC के AGM अशोक कुमार वर्मा, राइट्स कंपनी के CEO सीता रमैया, ISC कंपनी के मनदीप छाबड़ा के साथ में सभी कर्म अधिकारी और कर्मचारी इस इंजन पर पहुंचे थे। इंजन के पायलट कैलाश भारती, ऋषि कुमार, राम निवास यादव और स्टेशन अधीक्षक अखिलेश यादव मथेला से इंजन लेकर निमाड़खेड़ी पहुंचे। निमाड़खेड़ी में NTPC के अधिकारियों ने इंजन का विधि विधान से पंडित से पूजन कराया। सेल्दा के 4 नंबर गेट के करीब से होता हुआ प्लांट पर पहुंचा। प्लांट पर कर्मचारियों ने आतिशबाजी कर इंजन का स्वागत किया, मिठाइयाँ वितरित की गई, एक दूसरे को बधाइयाँ और खुशियाँ बांटते हुए रेल के इंजन का स्वागत किया। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट। इस कार्य को लेकर ये बहुत ही हम लोग का, हमारा टीम पूरी बहुत ही मेहनत किया, हमें NTPC से बहुत ही कोऑपरेशन मिला। ये रिकॉर्ड पीरियड में राइट्स ने काम किया कह सकता हूँ। मेरा सर्विस में मेरे को तो फुल्ली रिकॉर्ड है, 2 साल का अंदर है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना कम पीरियड में इतना सेटिस्फेक्ट्री में कम्प्लीट तो कही आता हूँ, ये मेरा पहले बार सर। ये आज तो इंजन का रोलिंग भी कर दिया सफिशेंट, ये टाइमली काम भी कंप्लीट हो गया है। वी आर बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, रेलवे आल्सो सेटिस्फैक्ट्री, NTPC आल्सो दे आर सेटिस्फैक्ट्री है, वी आर यार। ठीक सर, थैंक यू। ग्रेट अचीवमेंट फॉर राइट्स एज वेल एज NTPC। 2 साल लगा इसको पूरे बनने में। ये जो ट्रैक कहते हैं, किन किन कंपनियों ने इसको बनाया था और क्या क्या दिक्कतें आई आपको इसको बनाने में? दिक्कतें तो बहुत ज्यादा नहीं आई, कंपनियों ने एक TNT थे, एक ISC प्रोजेक्ट था और एक मल्होत्रा बिल्ड था, जिन्होंने तक प्रयास करके इसको बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। और हम लोग 2 साल के अंदर ही पावर प्लांट के इसके सिंक्रोनाइजेशन से और रेल का सिंक्रोनाइजेशन कर दिया। किन किन लोगों का सहयोग रहा सर इसको बनाने में आप लोगों का? प्रशासन का सहयोग रहा, रेलवे वालों का सहयोग रहा, गांव वालों का सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा। क्या कहेंगे आज आपकी जो पूरी मेहनत है कामयाब रही? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंक्रोनाइजेशन के साथ कोई भी रेल ट्रैक यहाँ पहुंचा है, रेलगाड़ी पहुंची है। ये जो अब ट्रेन यहाँ पर इंजन आ चुका है, अब रेल जो इसकी रेक आना शुरू होंगे, कब से शुरू हो जाएंगे सर? रेक अगले महीने से शुरू हो जाएगी। ये जो अपने सड़क रास्ते से कोयले की आवक का काम शुरू हुआ था, वो कैंसिल होगा कि वो जारी रहेगा? वो तो अभी जारी रहेगा, लेकिन रेक भी आ जाएगी। कितने टाइम के बाद में यहाँ से विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा? विद्युत उत्पादन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। कितने मेगावाट बिजली बनेगी एक साथ? एक साथ अभी 660 बनेगी। पर डे कितने रेक आएंगे सर यहाँ पर? 3 या 4 आएंगे। ये ट्रैक बनने से क्या सुविधा रहेगी और किस तरीके से यहाँ पर जो आने वाले और रेक आने से क्या क्या फायदे रहेंगे? कोयला आएगा हमारा, अपना अपने खदान से अपने प्लांट पे कोयला आएगा, पूरी आपूर्ति रहेगी। पूरी आपूर्ति रहेगी। कहाँ से ये कोयला आएगा सर? पूरी कोयला झारखंड के हजारीबाग से NTPC का माइन से, वहाँ से आएगा।